नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। नगर के विश्वेश्वरगंज पुलिस चौकी परिसर में स्थित यातायात कार्यालय पर गुरुवार को महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर यातायात प्रभारी प्रवीण यादव और अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा 17 महिलाओं को हेलमेट का वितरण किया गया। इस अवसर पर श्री यादव ने यातायात के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से बिना हेलमेट के बाइक न चलाएं, वाहन की रफ्तार का ध्यान रखें, मोड़ पर वाहन की रफ्तार धीमी रखें जिससे कोई दुर्घटना होने से बचा जा सके। महिलाओं को पावर हेल्पलाइन 1090, यूपी 112, हेल्पलाइन 181, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 आदि नंबरों के संबंध में जानकारी भी दी गई। यातायात प्रभारी ने बताया कि इस अवसर पर 5 लाख का बीमा भी किया गया है। कार्यक्रम में सदर क्षेत्राधिकारी ओजस्वी चावला, सदर कोतवाल विमल कुमार मिश्रा, शक्ति मोबाइल प्रभारी रेणु कुमारी सहित अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मी मौजूद थे। महिलाओं और युवतियों के साथ होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए मिशन शक्ति विशेष अभियान चल रहा है। इसके तहत पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह गुरुवार को सदर कोतवाली और महिला थाना पहुंचे। इस दौरान मिशन शक्ति अभियान के तहत स्थापित महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण किया। इसके संबंध में पूछताछ करते हुए संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर क्षेत्राधिकारी ओजस्वी चावला के साथ ही अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। कोरोना महामारी से एक तरफ जहां पूरे देशवासियों में भय के साथ ही अफरा तफरी का माहौल है, वहीं धार्मिक और मांगलिक कार्यक्रमों में भी इस खतरनाक बीमारी का दखल है। दशहरा पर्व पर दहन के लिए बनाए जाने वाले रावण के पुतले की लंबाई भी कोरोना ने घटा दी है। अति प्राचीन रामलीला कमेटी के मंत्री ओम प्रकाश तिवारी बच्चा ने बताया कि कोरोना महामारी की वजह से इस वर्ष रामलीला का मंचन नहीं हुआ। 6 दिन तक रामचरितमानस का पाठ कराया गया। बताया कि दशहरा पर्व पर हर वर्ष 60 से 65 फीट का रावण का पुतला दहन के लिए बनवाया जा रहा था, लेकिन कोरोना की वजह से इस साल महज 12 फीट का पुतला निकल निर्माण कराया जा रहा है। प्रशासन का आदेश होगा तो सीमित लोगों के बीच विजयदशमी के दिन दशानन के पुतले का दहन किया जाएगा। कुल मिलाकर इस कोरोना महामारी ने भय के बीच जहां आम जन जीवन को प्रभावित कर दिया है, वहीं पर्वों की रौनक भी अपने दहशत से फीका कर दी है। होली को छोड़ दिया जाए तो सभी त्योहार इस महामारी की वजह से उत्साहविहीन वातावरण में ही मन रहे हैं। महाहर धाम शिव मंदिर परिसर में बुधवार को फेयर शॉप डीलर एसोसिएशन मरदह ब्लॉक कमेटी की बैठक हुई। इसमें ब्लॉक के समस्त उचित दर विक्रेताओं की समस्याओं पर चर्चा करते हुए संगठन की मजबूती पर बल दिया गया। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष अनिरुद्ध सिंह मुन्नू ने कहा कि हम जब तक मजबूत होकर अपने हक के लिए लामबंद नहीं होंगे, हमारा शोषण होता रहेगा। उन्होंने पिछली कार्रवाई पर चर्चा करते हुए अपने खराब स्वास्थ्य के कारण ब्लॉक अध्यक्ष पद से स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया। कोर कमेटी के निर्देशानुसार सर्वसम्मति से बेहरा गांव के कोटेदार ब्रजेश सिंह को ब्लॉक अध्यक्ष, गंगा जायसवाल को कोषाध्यक्ष, रामशीष पांडे महामंत्री, चंदन जायसवाल व लालचंद यादव उपाध्यक्ष तथा अनिरुद्ध सिंह को संरक्षक चुना गया। इस मौके पर केदार गुप्ता, राजू गुप्ता, पारस यादव, मुन्ना सिंह, राम अवध जायसवाल, ईश्वर गुप्ता, प्रमोद सिंह, सुनील कन्नौजिया, सोनी गामा, सोनू आदि उपस्थित रहे। पूर्व प्रमुख चंदा यादव ने गुरुवार की सुबह क्षेत्र पंचायत की बैठक की सूचना नियमानुसार नहीं देने पर गुरुवार को बैठक स्थगित करने की मांग करते आत्मदाह की धमकी देते हुए वीडियो कक्ष के दरवाजे पर धरने पर बैठ गए। इससे पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। पूर्व प्रमुख एवं बीडीसी सदस्य चंदा यादव का कहना था कि क्षेत्र पंचायत की बैठक गुरुवार को 11 बजे दिन से बुलाई गई थी। हमें बैठक की जानकारी 21 अक्टूबर को एक समाचार पत्र के माध्यम से हुई। जब मैंने वीडियो से बात की तो उन्होंने बैठक की पुष्टि की और उसके बाद बुधवार की शाम 2:40 पर हमें सूचना भेजी गई। इसी प्रकार से बहुत से सदस्यों को सूचना समय से नहीं दी गई है, इसलिए बैठक स्थगित कर नियमानुसार पिछली बैठक की कार्रवाई की कॉपी संलग्न कर 15 दिन पूर्व सूचना देकर बैठक बुलाई जाए, नहीं तो वो आत्मदाह कर लेंगी। जानकारी होते ही SDM राजेश कुमार गुप्ता, तहसीलदार शिवधर चौरसिया, जिला विकास अधिकारी भूषण कुमार, क्षेत्राधिकारी विनय गौतम, BDO सुशील कुमार सिंह और कोतवाल आशीष नाथ सिंह भारी पुलिस फोर्स और अग्निशमन की गाड़ी के साथ पहुंच गए। प्रमुख रामकृत सिंह यादव और पूर्व प्रमुख चंदा यादव से वार्ता कर समाधान का प्रयास किया, लेकिन वार्ता विफल रही। प्रमुख और उनके समर्थक बैठक करने पर अड़े रहे, जबकि पूर्व प्रमुख बैठक स्थगित करने की अपनी मांग पर समझौता करने को तैयार नहीं थी। बैठक के बाद अधिकारियों के समझाने पर पूर्व प्रमुख चंदा यादव ने जिला विकास अधिकारी भूषण कुमार और उप जिलाधिकारी राजेश कुमार गुप्ता को 1-5 सूत्री मांग पत्र सौंप कर धरना समाप्त किया। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।